राजी मेला में स्थाई मेला मैदान का निरीक्षण करने पहुँचे ताम्रध्वज साहू, गृह धर्मस्व पर्यटन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। राजिम चौबे बांधा पैरी नदी तट पर 54 एकड़ में स्थाई मेला मैदान करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसे लेकर आज मंत्री साहू ने स्थल का निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस वक्त मीडिया वाइट के समय पत्रकार के सवालों से बचकर निकले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, देखें पूरा वीडियो। मेला जो स्थल है, यहाँ क्या कुछ गति इसको मिली है? नवीन मेला स्थल डेवलप करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक कॉन्सेप्ट है और उन्होंने घोषणा की हुई है और हम लोगों ने इसके काम का शुरुआत तो कर दिए हैं। बजट वजट का प्रावधान भी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग ढंग से हो चुका है। धर्मशाला के लिए राशि, मंच के लिए राशि, सेट के लिए राशि कलेक्टर के पास आया हुआ है। सड़क के लिए PWD का हम लोग 9 तारीख को हमारी एक मीटिंग है, प्रोजेक्ट तैयार है। 40 लाख का करीब, 44 लाख के एक रोड, 11 लाख के एक रोड, ऐसा तो लगभग 50-55 लाख की सड़कें हम लोग शुरू करेंगे। जो मेन सड़क है बाहर का, इंटरनल रोड तो बाद में होगा, और उसके बाद अभी यहाँ पर पानी की टंकी बनना वो सब काम है। रेस्ट हाउस भी छोटा सा बनाने की सोच रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पुराना जो है वो है, उसके ऊपर के लिए भी राशि हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया है, वहाँ ऊपर मंजिल और बन जाए ताकि कमरे जो कम होते हैं आने जाने वालों के लिए। अब ये राम वन गमन पथ परिपथ से जुड़ा हुआ है तो यहाँ 12 माह यात्रियों का आना जाना भी रहेगा। यहाँ साधु संतों के रुकने के लिए, अधिकारी कर्मचारियों के रुकने के लिए और पूरे कार्यक्रमों के लिए सारी व्यवस्थाएं, प्रोजेक्ट तैयार है, नक्शा तैयार है, डिज़ाइन है, राशि आना शुरू हो गया है। इरिगेशन डिपार्टमेंट अलग से 3 जगहों पे सीढ़ी बना रहे हैं, घाट बना रहे हैं, जो स्नान वगैरह का काम आ गया, ये सब शुरू कर रहे हैं। कुछ दिनों में इस धरातल में दिखने लगे। क्या लगता है आगामी मेला तक क्या इसमें लगे? आगामी मेला तक जितना भी काम हो, लेकिन मेला यहाँ आगामी लगाएंगे ये तो निश्चित है। चाहे काम एक साथ तो पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि जितना बड़ा स्कीम है, जो प्रोजेक्ट है और जो सोच है, वो पूरा करने में 2-3 साल लगेगा। काम में कैसे तेजी लाए कि यहाँ काम पूरा हो सके, कि एक लंबे समय से काम यहाँ पर चल रहा है? वो शुरू शुरू में क्या होता है, प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, जमीन ट्रांसफर की बात यहाँ आई है, उसको भी थी बात, तो उसमें हम लोग जमीन ट्रांसफ़र कर चुके हैं और ज़मीन ट्रांसफ़र करने के बाद अभी हमारा रोड ग्राउंड लेवल का काम भी अब पूरा हो गया, मुर्मीकरण का भी काम हो गया, प्रारंभिक काम पूरा हो गया है। तो जो हमारा एक पूरा लगभग 50-55 करोड़ का लागत का है हमारा जो सड़क, वो उसमें बन जाएगा तो यात्रियों को भी सुविधा मिलेगा आने जाने के लिए, ऐसा है, बहुत जल्दी हो जाएगा शुरू। एक अदर क्वेश्चन है, नंद कुमार शाह जी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो कांग्रेस को आने वाले समय में क्या फायदा होगा और भाजपा को क्या नुकसान होते आप देख रहे हैं? नंद कुमार शाह जी काफ़ी सीनियर लीडर हैं, विधायक रहे, सांसद रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, आदिवासियों के बीच में उनकी एक सौम्य छवि है, अच्छी छवि है, निर्विवाद व्यक्ति हैं, इसलिए काफ़ी जनाधार उनका है। कांग्रेस में वो आ गए हैं, प्रताड़ित रहे BJP से, ऐसा उनका कहना है, सम्मान नहीं हुआ वहाँ, ऐसा उनका कहना है। कांग्रेस में आए हैं, निश्चित तौर पर उनके आने से कांग्रेस को काफ़ी मजबूती भी मिलेगी, फ़ायदा भी मिलेगा। जितना ज़्यादा फायदा हमको मिलेगा, उतना ज़्यादा नुकसान BJP को होना है। सर, राजीव मेले के दौरान जो है मुख्यमंत्री सुरक्षा में चूक हुई है, क्योंकि CCTV कैमरे जो लगाए गए थे जिस मार्ग पर, उस मार्ग पर लगाए नहीं गए थे, और साथ ही इसका खामियाजा मेरे को स्वयं को भुगतना पड़ा है, क्योंकि उसी दिन पहले दिन ही मेरी बाइक चोरी हुई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में आपको शायद मैंने संपर्क भी किया था,
जिस दिन राम भगवान श्री राम का बाइक चोरी अलग चीज है और जी जी सुरक्षा व्यवस्था में उनकी सुरक्षा में कहीं कोई चूक नहीं है। जी जी चूक हुआ ही भी नहीं है। जी जी सर राम वन गमन में जो सघन वृक्षारोपण किया गया था उसमें सर जो वृक्ष है सर वो अभी तक से पौधे से पेड़ नहीं बन पाए, इस पर आपका क्या कहना है? तो एक दिन दो दिन एक दो महीना में थोड़ी पौधा पेड़ बन, नहीं सर तीन तीन साल हो गया है लेकिन बन नहीं पाया है, बनेगा धीरे धीरे। ठीक है सर।